brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. लोकसभा चुनाव सर पर है, पर पार्टियों में टूट की खबर लगातार बनी हुई है। अब इसी कतार में आरजेडी के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। बता दें, लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगाने वाले आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने बुधवार 17 अप्रैल यानी आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल देवेंद्र यादव ने पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को एक पत्र लिखा है। पत्र में यादव ने कहा है कि वो आरजेडी की नीति से सहमत नहीं है, क्योंकि आरजेडी ने केवल राज के लिए नीति चल रही है, जबकि राज और नीति में सामंजस्य जरूरी है। सिद्धांत के बिना राजनीति का मतलब आत्मा के बिना शरीर है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र यादव की बड़ी नाराजगी झांझरपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के पूर्व विधान पार्षद सुमन महासेठ को महागठबंधन का उम्मीदवार बनाने को लेकर है। देवेंद्र का मानना है कि झांझरपुर से यदि किसी समाजवादी विचारधारा वाले कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया जाता तो जीत मिलना आसान हो जाता। इतना ही नहीं, उनका तो ये भी मानना है कि झांझरपुर ही नहीं बल्कि 6-7 अन्य लोकसभा सीटों पर भी उम्मीदवारों का आयात किया गया है। इन सभी सीटों पर पार्टी ने कार्यकर्ताओं को उम्मीदवार बनाया जाता तो उन्हें कोई शिकायत नहीं होती। दरअसल यादव अपने कार्यकर्ताओं के बदले सांप्रदायिक सोच वाले किसी व्यक्ति को झांझरपुर से उम्मीदवार बनाने की घटना से नाराज हैं और इसलिए वो एक पल भी आरजेडी में रुकना गवारा नहीं समझते। अब बात देवेंद्र यादव की राजनीतिक सफर की करें तो देवेंद्र यादव झांझरपुर से 5 बार सांसद रह चुके हैं। 1989 और 1991 और 1996 में जनता दल से, 1999 में जेडीयू और 2004 में आरजेडी टिकट पर झांझरपुर से सांसद रह चुके हैं। वो एसडी देवगौड़ा की सरकार में केंद्रीय खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री थे। बीच में उन्होंने समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक का गठन भी किया था, जिसका आरजेडी में विलय हो गया था। उन्होंने अपने इस्तीफे में साफ तौर पर लिखा है कि मैं अपनी राजनीति, कर्म और जन्मभूमि तथा झांझरपुर में समाजवादी धरती के साथ छल नहीं कर सकता। बता दें, देवेंद्र प्रसाद यादव ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरजेडी से नाराजगी भी जाहिर की थी। तब से ये सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि देवेंद्र यादव इस्तीफा दे सकते हैं, और आखिरकार देवेंद्र यादव ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। पटना से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट, बिहार तक।